यार अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुए हैं ना। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। है भाई है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट मेन बात ये कि 7 बार मर के जिंदा हुए कब कब थे। तो देखो, ये पहला इंसिडेंट तो हुआ था 1994 में, जब योकोजुना के अगेंस्ट एक मैच में अंडरटेकर को कैस्केट में डाल दिया गया था और दिखाया ऐसा गया था कि अंडरटेकर इज डेड। बट फिर कुछ ऐसा हुआ, तब फर्स्ट टाइम हुआ कि अंडरटेकर मर के जिंदा हो गए। सेकंड टाइम ये 1996 में हुआ था, जब मैनकाइंड के अगेंस्ट एक बरेड लाइव मैच में अंडरटेकर को दफना दिया था। थर्ड टाइम ये हुआ 1998 में, जब केन ने अंडरटेकर को कैस्केट में डाल के आग लगा दी थी कि भाई अब तो वापस नहीं आएगा पक्का। बट वी ऑल नो। फोर्थ टाइम ये हुआ 2005 में, जब रैंडी ऑर्टन ने अंडरटेकर को कार के पीछे लेटाकर कार क्रैश कर दी थी। सिक्स्थ टाइम ये हुआ 2010 में, जब केन और अंडरटेकर का बरेली लाइव मैच हुआ था और केन ने अंडरटेकर को जिंदा दफना दिया था। बट सेवंथ टाइम ये कब हुआ, इसका हिंट मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, अगर गेस कर लेते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है।